चोंकुक ताई को फूल देने की बहाने उसकी हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ देखने लगा। ताई को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होने लगा क्योंकि जिमिन भी कार के अंदर है, पर इतनी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से जिमिन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो ध्यान से गाड़ी चला रहा था। ताई चोंकुक के हाथ से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और तभी चोंकुक ने ताई के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और धीरे धीरे ताई के हाथों पर स्वीट स्वीट पप्पियाँ देने लगा। और तभी जिमिन ने बोला, जिमिन ताई तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? जिमिन की बात सुनने के बाद ताई चोंकुक के हाथ से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर चोंकुक ने उसकी हाथ नहीं छोड़ा। ताई उस हालत में ही जिमिन से कहने लगा, ताई मिस्टर पार्क मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है इसीलिए। चोंकुक, जिमिन यार तू ठीक से गाड़ी चला ना, ये बातें करना बंद कर। तुझे पता है ना कि मीटिंग के लिए मैं लेट हो रहा हूँ और गाड़ी चलाने के वक्त इतनी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। तुझे पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ध्यान से गाड़ी चला जिमिन। ओके ओके, पता नहीं तू हमेशा हर बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है। चोंकुक, जिमिन चुपचाप गाड़ी चला। जिमिन, ओके ओके ठीक है। चोंकुक ने अभी भी ताई की हाथ पकड़ रखा है। ताई अपने मन में ही कहने लगा, ये आदमी कितना ज़्यादा बेशर्म है ना, अभी इसने किसी अपनी क्लाइंट के लिए रेड ड्रेस पहना हुआ है और उसके लिए फूल ले जा रहा है, पर इसने मेरी हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ जाइए ना और उस लड़की के हाथ पकड़िए। ताई ने अपनी हाथ जोर से छुड़ाने की कोशिश किया और तभी और चोंकुक ताई को अपनी तरफ खींच लिया और ताई को स्वीट स्वीट पप्पियाँ देने लगा। ताई उसे चोंकुक से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और तभी जिमिन ने बोला, ताई क्या तुम चॉकलेट खाओगे? पर ताई उसे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि चोंकुक उसे स्वीट स्वीट पप्पियाँ दे रहा था। जिमिन, ताई क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और इससे पहले कि जिमिन उस तरफ मुड़े, ताई ने जल्दी से चोंकुक को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। जिमिन, क्या हुआ ताई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? ताई, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी इसलिए। चॉकलेट कहाँ है, चॉकलेट प्लीज मुझे दीजिए ना। और फिर जिमिन ने ताई को एक चॉकलेट दिया और उसे देखकर ताई के दिमाग पर एक आइडिया आया। ताई अपने मन में ही कहने लगा, मिस्टर जॉन आप मेरे सामने किसी और लड़की के लिए गुलाब के फूल ले जा रहे हैं, हाँ आप देखिए मैं कैसे इसका रिवेंज लेता हूँ। अगले पार्ट पर हम देखेंगे कि ताई चोंकुक को जेलस फील कराना चाहती है और इसलिए उसने चोंकुक के सामने जिमिन को अपनी खाई हुई चॉकलेट को खिलाने जा रहा है और चोंकुक के सामने उसने जिमिन को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे स्वीट स्वीट पप्पियाँ देने जा रहा था और वो भी चोंकुक को दिखाने के लिए। अब आगे क्या होगा, क्या ताई सच में चोंकुक के सामने जिमिन को स्वीट स्वीट पप्पी देगा? अब आगे क्या होगा, क्या चोंकुक ताई को उसके सामने जिमिन के साथ रोमांस करते हुए रोक पाएगा? क्या वो ताई को जिमिन को स्वीट स्वीट पप्पियाँ देने से रोक पाएगा?
क्या अब जोंगकुक इतना ज्यादा जेलस फील करेगा कि वो ताई को जिमिन के सामने ही पनिशमेंट देगा? जिमिन के सामने ही अब वो ताई के साथ रोमांस करेगा? क्या जोंगकुक ताई को रोमांटिक पनिशमेंट देगा और वो भी जिमिन के सामने? और ये हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट पर। बाय बाय।